क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं पाइथन। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूं वीएस कोड के ऊपर और आज की वीडियो में हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में। ये ऐसी क्लास है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। मतलब ये जब हम क्लास बनाएंगे और इससे ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे हमें एरर आ जाएगा। तो सवाल यह है कि इसको फिर बनाई क्यों जाती है? भाई, इसको इसलिए बनाई जाती है कि अगर बहुत सारी क्लासेस हैं और उसके अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स हैं, तो उन कॉमन चीजों को हम एक क्लास बना के उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि वही चीज सब में इनहेरिट की जा सके। उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उससे ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। इससे हमारा बहुत सारा कोड बच जाता है और उसमें गलती के इम्कान भी कम हो जाते हैं। इसको कोड से समझते हैं। मैं एक नॉर्मल क्लास बनाता हूँ, ठीक है? आपका जो मन करे उस नाम से बनाए। मैंने बनाया ह्यूमेन के नाम से और इसको हम कहते हैं डेफ नेट नेट, और इसको कॉल किया सेल्फ। सेल्फ के बाद मैंने कहा सेल्फ सेल्फ सॉरी सेल्फ सेल्फ डॉट नेम, और इसको मैंने हार्ड कोड कर दिया फिलहाल बिलाल, ठीक है? और इससे अब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह बनेगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ह्यूमेन, और यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम करेंगे p1 डॉट नेम, और इसको मैं चलाऊं तो हमें जो है नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट बन गया और हमें उसकी प्रॉपर्टी कहते हैं एट्रीब्यूट कहते हैं वो भी शो हो गया। अब इस क्लास को मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है? इस क्लास को मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए होती है। पहले मुझे चाहिए फ्रॉम के अंदर एबीसी। एबीसी मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है? एबीसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसमें से इंपोर्ट करो किसे? एबीसी को। इसके साथ साथ मुझे एक डेकोरेटर चाहिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड के नाम से। ये दो चीजें हैं मुझे चाहिए थी, मैंने रिक्वायर कर दी, ठीक है? यहाँ पर यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब किसी भी क्लास को अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट करना है ना, तो उसको आप यहाँ पे उस क्लास के नाम के बाद राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर पास करेंगे एबीसी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जिस जिस प्रॉपर्टी को एब्स्ट्रैक्ट करना है उसमें ये डेकोरेटर कॉल करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट किया था। और इसके बाद क्योंकि हमने इसको इनहेरिट किया किसी क्लास या किसी ऑब्जेक्ट से कर, तो उसका मुझे जो है इट फंक्शन भी चाहिए होगा। तो वो क्या तरीका है? मैं कहूंगा सुपर डॉट अंडरस्कोप अंडरस्कोप इनिट, इसको कॉल कर दूंगा, ठीक है? बस इतनी सी बात थी। ये क्लास अब एब्स्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है? अब इससे हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लाइक हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, अगर मैं इसको यहाँ पे चलाऊं तो मुझे एरर आ जाएगा कि भाई आप इसको नहीं यूज कर सकते, नहीं बना सकते इससे ऑब्जेक्ट। ये अब एब्स्ट्रैक्ट हो गया है, ये अब एब्स्ट्रैक्ट हो गया है। तो अब क्या तरीका है, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे? हम एक और क्लास बनाते हैं। अब ये क्लास बनाने का क्या मकसद है? अब इस क्लास में मुझे जो हमने मुख्तलिफ हो सकता है एट्रीब्यूट पास किया हो, फिलहाल तो हमने इसके अंदर नेम ही पास किया है, लेकिन मान लो हमने टेम्पलेट बना दिया नेम है जीमेल के, भाई ये तो हमें तमाम क्लासेस के अंदर चाहिए जो भी हम बनाएंगे, ये हम तमाम में चाहिए। तो उसको हमने एक एब्स्ट्रैक्ट में बना के सबको इनहेरिट कर दिया। तो अब हमें ये इसका मकसद ये है कि इसको एक टेम्पलेट के तौर पर यूज करते हैं। तो मैं एक और क्लास बनाता हूँ लाइक क्लास और प्लेयर। अब प्लेयर के अंदर जो मुझे नेम चाहिए वो तो मुझे मिला हुआ है ऑलरेडी ह्यूमेन के अंदर, तो मैं इसको क्या कहूंगा, इनहेरिट कर दूंगा कि भाई ह्यूमेन को इसके अंदर इनहेरिट कर दो। उसके बाद मैं कहूंगा डेफ, और डेफ के बाद अंडरस्कोप अंडरस्कोप इट इन इट अंडरस्कोप अंडरस्कोप सेल्फ, और सेल्फ के बाद मैं इसके इनिट फंक्शन को कॉल करूंगा किसके? ह्यूमेन को। उसका भी तरीका क्या है? सुपर डॉट अंडरस्कोप अंडरस्कोप इनिट, ठीक है? ये मैंने एक इनहेरिट कर दी क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर दी प्लेयर के अंदर। अब अगर मैं ह्यूमेन की बजाय प्लेयर से मैं बनाऊं प्लेयर, तो मुझे एरर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? अब मुझे एरर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने इस क्लास को एज अ टेम्पलेट यूज किया है प्लेयर के अंदर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब चूंकि ये तो मैंने हार्ड कोड किया था, तो इसका तरीका कार यही है कि इससे अगर हम मैं डायनामिक करना चाहूं तो मैं कहता हूं नेम, ये मैंने यहाँ नेम पास कर दिया, और इसी तरह मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई ये नेम है, और यहां भी मुझे यही काम कर देना है, सेल्फ की जगह नेम, और हम इसे इनिट में भी कर देंगे नेम। अब यहां पे मुझे नेम जो भी मैं पास करूंगा वो डायनामिक हो जाएगा फरीद, ओके? यहां तक तो बात आ गई समझ में। इसके मकसद को समझे, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं,
यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, या यहाँ पे एक मेथड भी बना देते हैं, यहाँ पे एक मेथड और बना देते हैं। इसको मेथड बनाने के लिए मुझे दोबारा से उससे एब्स्ट्रैक्ट की डेकोरेटर की जरूरत पड़ेगी, तो उसको मैं कहता हूँ एब्स्ट्रैक्ट डेकोरेटर, और एक मेथड बनाते हैं डेफ के नाम से वेलकम। और इस वेलकम के अंदर कुछ नहीं है भाई, इस वेलकम के अंदर सिर्फ ये है कि मुझे यहाँ पर प्रिंट करवा दो, या इसको सिर्फ पास कर देता हूँ कि मुझे बस एक वेलकम का मेथड चाहिए, उसके अंदर बॉडी कुछ भी हो, ठीक है, बॉडी कुछ भी हो। अब देखें, अब मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, ये एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट में मान लो मैंने सिर्फ नेम दिया है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चीज तो आ गई, लेकिन और यहाँ पे ये फंक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं तो क्या होगा, देखो एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई इसके अंदर जो वेलकम का मेथड है आपको वो बनाना है। अब एब्स्ट्रैक्ट हमें टेम्पलेट के ऊपर ले आ रहा है कि आप टेम्पलेट के ऊपर आओ, आपको ये फंक्शन भी बनाना है, इसको ओवरराइड करना है। तो यहां पे फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं इसको एक फंक्शन को ओवरराइड करूंगा लाइक डेफ वेलकम, ठीक है। वेलकम के बाद क्या करेंगे, वेलकम के बाद इसके अंदर फिलहाल कुछ नहीं करते, इसको हम करते हैं प्रिंट, और प्रिंट करवा देते हैं वेलकम, वेलकम ये प्रिंट करवा देते हैं वेलकम। और यहां पे इसको कॉल करके देख लेते हैं वेलकम, या पहले कॉल कर ही लेते हैं ना, कुछ नहीं इशू। ये देखो अब भी एरर आ रहा है। अब क्यों एरर आ रहा है भाई, अब एरर इसलिए आ रहा है कि इसको एक आर्गुमेंट भी चाहिए। क्या आर्गुमेंट है वो आपको मालूम होना चाहिए, वो आर्गुमेंट हमेशा होता है सेल्फ, ठीक है। इसको अब चलाएं, एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं इसको अनकमेंट कर, इसको कमेंट कर देता हूं, मतलब इसके अंदर ये फंक्शन नहीं है, हमें तो ये वाला टेम्पलेट यूज करना है। मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट जो है एज अ टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट यूज हो रहा है, तो वो कह रहा है भाई ये जो मैच होनी चाहिए ना, इससे होनी चाहिए, एडिशनल चीजें भले हो उस इश्यू नहीं है, वो हम देंगे भी, लेकिन ये चीजें होना लाजमी है। तो नेम तो उसने पास कर दिया, फंक्शन नहीं पास किया, फंक्शन वगैरह बनाओ, तो फंक्शन हमने बना लिया। अब अगर हम चलाते हैं तो यहाँ पे वो एरर दे देता है कि भाई नहीं, इसके अंदर वेलकम का मेथड नहीं है जो कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर है। तो हमने यहाँ पे वेलकम के मेथड को दोबारा बनाया, अनकमेंट किया, सेव करते हैं और चलाते हैं। अब हमने एब्स्ट्रैक्ट की जो टेम्पलेट है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, और यहाँ पे देखो हमें रिजल्ट मिल गया। चलो ये बात समझ में आ गई कि अब ये टेम्पलेट बन गया, इसको हम जिस किसी से भी इनहेरिट करेंगे उससे हम उसी की कॉपी बनाना जरूरी है, एडिशनल चीजें जो भी हो अपनी जगह, लेकिन ये चीजें होना जरूरी है जो कि अभी हमने ट्राई भी कर ली। अब मैं कहता हूं कि ये जो प्लेयर है ना, इसकी मुझे एज भी चाहिए, तो वही है, वो तो मेथड आपको इजी है। एज मैंने बना दिया, एज के साथ सुपर के बाद में आ गया सेल्फ डॉट एज, और एज के बाद मैंने कहा एज, ठीक है, एज के बाद मैंने कहा एज। अब मुझे यहाँ पे एज भी पास करनी है, एज पास कर दी मैंने 40, और यहां पे मैंने एज भी ले आया हूं। अब यहां पे मैं एज भी ले आया, अब अगर मैं चलाऊं तो देखो एज भी आ गई। किस तरीके से कर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज अ टेम्पलेट यूज किया। अब उसके बाद अगर हमें कोई एडिशनल चीजें चाहिए तो वो हम इसके अंदर लगा सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट के जरिए हम अपना एक स्टैंडर्ड, एक स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं किसी भी क्लासेस का। लाइक अभी हमने एक ही क्लास बनाई है प्लेयर के नाम से, लेकिन ह्यूमन के अंदर और ऐसी चीजें जो कि हमें हर क्लास के अंदर कॉमन चाहिए, वो अगर हम एक उसकी क्लास बना के उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दें, और एब्स्ट्रैक्ट बनाने का तरीका मैंने भी आपको यहाँ पे बता दिया, तो उसको अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट कर दें और फिर उसको हम इनहेरिट करते जाएं बाकी क्लासेस से, ताकि हमारा एक स्टैंडर्ड, हमारा एक टेम्पलेट मेंटेन है, कोई चीज मिस ना हो, कोई चीज भूल ना जाए। लाइक अभी हमने देखे, तजर्बा भी करके देखा कि लाइक ये जो था जिसे मैंने अनकमेंट किया और मैं चलाऊं तो वो डायरेक्ट एरर दे देता है कि नहीं भाई ये एब्स्ट्रैक्ट से मैच नहीं कर रहा, तो आप काइंडली इसको सही करें। इस तरीके से कर हम एब्स्ट्रैक्ट को यूज करते हैं किसी भी टेम्पलेट या एज ए ब्लूप्रिंट ऑफ मेनी क्लासेस, ताकि हमसे कोई चीज मिस ना हो जाए, कोई चीज रह ना जाए। इस तरह से हमारा कोड भी मेंटेन रहता है, हमें कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये हमें एरर दे देता है, और इस तरह से हम अपने अच्छे से स्ट्रक्चर को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।